स्टूडेंट, होप यू ऑल आर फाइन। टुडे माय टॉपिक इज कॉमन लॉगरिथम, आल्सो नोन एज डिकेड लॉगरिथम, लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर, नेचुरल लॉग एंड द लॉज ऑफ लॉगरिथम। फर्स्ट वन इज व्हाट इज मेंट बाय लॉगरिथम ऑफ अ, व्हाट इज मेंट बाय कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम अ लॉगरिथम हैविंग द बेस 10, जो भी सिंपली हम इजीली प्रीवियस वन टॉपिक्स में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लॉग ऑफ 232 पॉइंट सम नंबर, लॉग ऑफ दैट वन, लॉग ऑफ 64, तो वो देखें आपके पास बेस में कहीं पर भी 10 गिवन नहीं है, लेकिन ये हमारे पास लॉग ऑफ एक्स सिंपल किसके इक्वल है, हैविंग द बेस 10, 10 के अकॉर्डिंग, और यही इसकी डेफिनेशन है लॉगरिथम हैविंग बेस 10 विद द बेस 10 इज कॉल्ड द कॉमन लॉगरिथम या डिकेडिक लॉगरिथम। तो आप इसको लॉग ऑफ 10 x इज इक्वल टू लॉग ऑफ x लिख सकते हैं, यानी कि इसमें 10 को स्किप करके ये लॉग ऑफ x के ही इक्वल है, और लॉग ऑफ x अगर बेस 10 लिखी हुई होगी तो ये आपके पास कॉमन लॉग ही गिवन है। नेक्स्ट वन क्या है टॉपिक, नेचुरल लॉगरिथम, अ लॉगरिथम विद द बेस e, e की वैल्यू ऑलरेडी गिवन होती है 2.711828 18, अ लॉगरिथम हैविंग बेस e इज नोन एज द नेचुरल लॉगरिथम। लॉज ऑफ लॉगरिथम से पहले हम करेंगे लॉग, व्हाट इज मेंट बाय लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, यानी कि किसी भी नंबर अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, जैसे प्रीवियस हमने अभी जो भी हमने क्वेश्चन किए हैं टू टाइप्स के, कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन थी उसको लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करते थे, और लॉगरिथमिक में उसको कैसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते थे, इसका रिवर्स है। अगर हमारे पास a पावर x इज इक्वल टू y हो तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, x इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a, और इसको कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू log ऑफ y टू द बेस इज a। इसका रिवर्स प्रोसेस क्या होता है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जैसे प्रीवियस वन हमने टॉपिक में लिखा था a की पावर x विच इज इक्वल टू y, ये देखें बिल्कुल ठीक लिखा था जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में कैसे किया था, इस काइंड में हमारे पास क्वेश्चन गिवन होता था, हम पहला स्टेप करते थे इसको इसमें कन्वर्ट करते थे, लेकिन ये तो बाय डेफिनेशन है कि इसको इजीली आपने ऐसे ही लिखना है, ये रिवर्स और अल्टरनेट नहीं है, सिंपल समझाने के लिए है कि log of y टू द बेस इज a विच इज इक्वल टू x होगा, और a इसमें कोई भी नंबर जो भी बेस के अकॉर्डिंग है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, मस्ट है, y इज ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि y भी ज़ीरो से अबव हो, a भी ज़ीरो से अबव, कोई भी वैल्यू हो 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन कोई सी भी, और a इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि बेस में 1 नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, सो a इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये आपके पास लॉगरिथम ऑफ अ नंबर की डेफिनेशन है। नेक्स्ट वन देखें लॉज ऑफ लॉगरिथम, लॉज कैसे अप्लाई करने हैं, प्रोडक्ट भी कोई चीज़ हो रही होती है उसके बाहर में आपके पास लॉग अप्लाई होता है, तो हमने फर्दर उसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है। लॉग ऑफ एम एन, यानी कि दो प्रोडक्ट कोई भी नंबर हो रहे हैं उसके ऊपर लॉग अप्लाई करना है, वो किस में चेंज हो जाएगा, इनको सेपरेट करके एडअप करके, तो आपके पास ये सिंपल एक दफ़ा लॉग लिखा हुआ है, तो ये सेपरेटली जब ट्रीट होगा तो ये दोनों के साथ लॉग आ जाएगी टू द बेस इज ए, बेस कहते हैं जो ये साथ नीचे लिखा हुआ होता है, ये देखें लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन हैविंग द बेस ए। अब ए के रिप्लेसमेंट में 2, 2 भी हो सकता है, 3, 3 भी हो सकता है, कोई भी फर्दर आपकी एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन होगा हमने इजीली ऐसे ही सॉल्व करना है, जब दो प्रोडक्ट हो रहे होंगे उन पर लॉग अप्लाई करना है, लॉग को सेपरेट करके बाय एडिशन में चेंज करना है, मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है, बाय एडिंग में। नेक्स्ट वन क्या है जी, लॉग जब डिवाइड पे अप्लाई होता है, दो डिजिट की डिवीजन पे अप्लाई होगा तो लॉग ऑफ एन माइनस लॉग ऑफ एन के इक्वल हो जाएगा। लॉग जब पावर पे अप्लाई होगा, पावर भी जैसे 2 क्यूब लिखा हुआ है तो 3 पावर क्या आ जाएगी, स्टार्टिंग में आ जाएगी लाइक दिस, जैसे n ये स्टार्ट में आ गया और लॉग ऑफ a m जो है वो आपके पास सेपरेट करके आपने उसके साथ लिख देना। लॉग ऑफ a n, लॉग ऑफ a n विच इज इक्वल टू n, आपके पास 7 नंबर है तो लॉग ऑफ n b कोई भी बेस जो है वो आपने डिफरेंट काइंड की ले लेनी है, और ये क्या है डिनोमिनेटर में a है, सो मल्टीप्लाई विद लॉग ऑफ a b, ये जो नंबर है ना वो आपने ले लेना, ये हमारे पास फोर्थ वन लॉ है। फर्स्ट वन लॉ क्या है, प्रोडक्ट किस में चेंज होता है, एडिशन में, सेकंड वन डिवीजन केस है, सब्ट्रैक्शन में हमेशा चेंज होगा,
जो पावर अप्लाई करते हैं वो पावर स्टार्ट में आ जाती है, और ये आपके पास लॉग ऑफ ए एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ दीज टू विच इज इक्वल टू ए पावर एन। बी बी बेस सेम है तो एन और ए को एज इट इज ऐसे ही एन और ए आपके पास आ जाएगा, ये फोर्थ वन लॉ है। अभी प्रीवियसली हमने पढ़ा है कि लॉज ऑफ लॉगरिथम क्या है, फर्दर इसकी एप्लीकेशन देखते हैं इन द एक्सरसाइज 3.3 में। राइट एज अ सम और डिफरेंस, यानी कि डिवीजन केस लिखा हुआ है लॉगरिथम का, किसी में मल्टीप्लिकेशन केस लिखा होगा, हमने इसको ऐड में और सब्ट्रैक्ट में चेंज करता है, और डिवीजन हमेशा याद रखें बाय द सेकंड लॉ माइनस में चेंज होता है। सो लॉग ऑफ द अपर पार्ट डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ एम डिवाइडेड बाय एन, अगर हम इसको कंपेयर करें सेकंड लॉ से, तो ये लिखा हुआ है लॉग ऑफ एम डिवाइडेड बाय एन, तो किस में चेंज हो जाएगा, लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन, सेम एज लाइक दिस, विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ 15.2 माइनस लॉग ऑफ 30.5 बाय यूजिंग दिस वन लॉ। तो ये फर्दर आपने हर स्टेप में लिखना है, जहाँ पे आप जोन सा लॉ अप्लाई कर रहे हैं आपने बाय यूजिंग सेकंड लॉ है, तो आपने प्रॉपर वे से सेकंड लॉ लिखना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखें, लॉग ऑफ 22 होल पावर 1/3, ये सिंपल 1/3 22 के साथ है, कंप्लीट के साथ नहीं है, अगर कंप्लीट के साथ होती तो पावर क्या हो जाती है, हमेशा स्टार्ट में आ जाती है। डिवाइडेड बाय 5 क्यूब, तो ये 5 क्यूब सिंपल 5 के ऊपर है। सबसे पहले हम डिवीजन वाला मेथड अप्लाई करेंगे, मेथड नहीं लॉ अप्लाई करेंगे, क्या करता है लॉग ऑफ अपर पार्ट डिवाइडेड बाय लॉग ओवर, सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे लॉग ऑफ डिवीजन का सेकंड वन लॉ, लॉग ऑफ अपर माइनस लॉग ऑफ दी जो भी डिजिट गिवन है डिनोमिनेटर में, वो हम सबसे पहले इसको माइनस में चेंज किया। अब हमारे पास सिंपल एक लॉग उसका कोई डिजिट और उसकी पावर आ गई है, पावर जब भी क्या करती है, पावर क्या हो जाती है, स्टार्ट में आ जाती है। ये नहीं करना कि लॉग ऑफ 1/3 को पहले लिख के, लॉग ऑफ 22 को लिख के, और आपने बस जी फर्दर ये वाला आंसर लिखना है और बस जान छुड़ानी है, नहीं, हमने क्या करना है, सबसे पहले ये 1/3 नहीं अप्लाई करना, पहले डिवीजन आपने अप्लाई करनी है, पहले सेकंड लॉ अप्लाई करना है, इसको चेंज करना है माइनस पे, फिर जब सिंपली एक लॉग और उसकी पावर आ जाती है, फिर हमने पावर वाला अपने थर्ड वन लॉ अप्लाई करना है। 1/3 स्टार्ट में लॉग ऑफ 22 माइनस 3 स्टार्ट में लॉग ऑफ 5, क्लियर। नेक्स्ट वन क्या है जी क्वेश्चन, लॉग ऑफ, और इधर फर्दर बाय यूजिंग लिखें आपके, ये सेकंड वन लॉ है तो लॉग ऑफ एम डिवाइडेड बाय एन अप्लाई हो रहा है, और ये लॉग ऑफ एम पावर एन थर्ड वन लॉ अप्लाई हो रहा है। लॉग ऑफ अपर पार्ट, अपर पार्ट बेशक प्रोडक्ट में हो, पावर्स में हो, कुछ भी हो, लेकिन आपने डिवीजन के ऊपर सबसे पहले सेकंड वन लॉ अप्लाई करना है, लॉग ऑफ द अपर ओवर है तो माइनस लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर। अब अपर पार्ट को देखें, अपर पार्ट ऑलरेडी 2 digits में कंसिस्ट है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब भी एक लॉग कोई 2 digit के साथ मल्टीप्लाई होता है तो बाय फर्स्ट लॉ वो किस में चेंज होता है, एडिंग में, लॉग ऑफ फर्स्ट डिजिट प्लस लॉग ऑफ द सेकंड वन डिजिट, ये वाला पार्ट एज इट इज ही आएगा, रिमेनिंग पार्ट्स इसके इजीली सॉल्व हो जाएंगे, वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस log of x माइनस 2 log of x प्लस 3 log of x प्लस 1 माइनस log of x स्क्वायर माइनस 1 एज अ सिंगल लॉगरिथम बाय सिंप्लीफिकेशन, ये देखें एट द एंड एक लॉग आया, स्टार्टिंग में कितने ज्यादा लॉस अप्लाई हो रहे थे। फर्स्ट वन स्टेप आप यही क्वेश्चन लिख लें, नेक्स्ट वन स्टेप में पावर जोन सी है वो कहाँ चली जाएगी, इधर ये वाली जो स्टार्टिंग में आपके पास लिखा हुआ है कोई भी डिजिट वो उस लॉ की पावर में चली जाती है, तो ये देखिए 2 इधर चला गया, 3 स्टार्ट में आया हुआ है तो 3 किधर शिफ्ट हो जाएगा, x प्लस 1 की पावर 3 में माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज। नेक्स्ट वन लाइन इज लॉग ऑफ एक्स एज इट इज। अब लॉग ऑफ एक्स, अब एडिशन जो उनसे हैं दो लॉज वो हमने क्या करने हैं, सेपरेट आउट करने हैं, लॉग ऑफ एक्स एंड पॉजिटिव लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 का क्यूब एज इट इज, एंड माइनस माइनस वाले जो 2 digit हैं वो हमने क्या करने हैं, वो भी हमने सेपरेट आउट कर देने हैं।
दो लॉग जब ऐड होते हैं तो अंडर मल्टीप्लिकेशन आप उसको एक लॉग में लिख सकते हैं बाय द फर्स्ट लॉग. तो लॉग ऑफ x मल्टीप्लाई विद x प्लस वन क्यूब माइनस, उन दोनों में से माइनस साइन कॉमन लेंगे, सो वी गॉट बाय एडिंग, दोनों एडिंग में चेंज हो जाएंगे. ये अब आप हमारे पास दो लॉज आपके पास आ गई हैं. इन दोनों की एडिशन में हम एक लॉग अप्लाई करेंगे, तो लॉग ऑफ एडिशन किस में चेंज होती है, प्रोडक्ट में. सो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर माइनस वन. अब दो लॉग माइनस में आ गए, तो माइनस क्या करता है दो लॉग का, एक दफ़ा लॉग लिख के डिवाइड में चेंज कर देते हैं. ऊपर नीचे जब अगर कोई डिजिट्स कटिंग हो रही है तो हमने कटिंग कर देनी है. और सिंप्लीफाई कैसे करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वन को वी कैन राइट इट एज एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन. सो एक्स पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, सिंपल एक्स रह जाएगा, एक्स प्लस वन इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल दिस इज योर आंसर. तो ये हमारे पास सेटिस्फाई हो गया कि राइट इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लॉगरिथम. ईजीली आप देखें, सबसे पहले हमने पावर्स अप्लाई किए हैं कि पावर्स क्या करती हैं, जो स्टार्ट में लिखा होता है वो पावर बन जाता है. नेक्स्ट वन पॉजिटिव पॉजिटिव वाले हमने कंबाइन किए हैं लॉ, और नेगेटिव नेगेटिव वाले डिजिट्स को एक तरफ लिखा है. नेगेटिव में से हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया है दोनों को पॉजिटिव बनाने के लिए. और दो लॉ के प्लस में हमारे पास किस में चेंज हो जाता है, ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है. तो सिंपली सिंपल ईजीली हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज लॉग ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ 6 माइनस लॉग ऑफ 2. ये दोनों एडिशन में लॉग आ रहे हैं, तो जब भी दो लॉग एडिशन में आते हैं वो किस में चेंज होती है, प्रोडक्ट में. यानी कि इस स्टेप के बाद डायरेक्टली ये वाला स्टेप लिख देना ये रॉन्ग है. आप पहले जो ऐड हो रही हैं दो लॉग उनके पे अप्लाई करेंगे तो लॉग प्रोडक्ट में चेंज होगा, माइनस लॉग ऑफ 2 आ जाएगा. लॉग ऑफ जो भी आपके पास डिजिट लिखा हुआ है वो माइनस लॉग ऑफ सेकंड वन. दो लॉगों का एक लॉग हम अप्लाई करेंगे क्योंकि ये सेकंड वन लॉ है, एम लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन. लॉग एम डिवाइडेड बाय एन में चेंज हो जाता है बाय यूजिंग सेकंड लॉ. यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में हमने लिखना है लाइक दिस वन कि हम क्या अप्लाई करनी है, लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन किसके इक्वल होता है, लॉग ऑफ एम डिवाइडेड बाय एन के. तो ये हमने लिखना है ये सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग है. नेक्स्ट वन टॉपिक इज, नेक्स्ट वन पार्ट इज पावर स्टार्ट में आती है तो ये पावर बन जाएगी, एक्स स्क्वायर 3 इधर चला जाएगा, वाई क्यूब आ जाएगा. दो लॉग आप बाय सब्ट्रैक्शन हो रहे हैं, सब्ट्रैक्शन हमेशा डिवीजन में चेंज होती है, तो एक दफ़ा लिख के हमने डिवाइड में लिख देना है, ये भी सेकंड लॉ अप्लाई हो रहा है. नेक्स्ट वन लॉग ऑफ 2 टू द बेस इज 3 विद लॉग ऑफ 81 टू द बेस इज 2. सो फर्स्ट वन स्टेप इज ये बाय फोर्थ लॉ है जो हमने लास्ट में लिखा था, जो मैंने प्रीवियस डिस्कस किया था. लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 3, लॉग ऑफ 81 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2. 81 को हमने सिंप्लीफाई करना है लॉग ऑफ 3 का पावर 4. ऑलरेडी 3 इन्वॉल्व है तो इसको हम 3 पावर 4 करके लिखेंगे. लॉग ऑफ 2 से कैंसिल हो जाएगा, पावर हमेशा स्टार्ट में आ जाती है. सो 4 लॉग ऑफ 3 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 3, लॉग ऑफ 3 से कैंसिल हो गया और हमारे पास इज इक्वल टू 4 आ गया. इसका सेकंड वन पार्ट भी इजीली आपसे सेम लाइक दिस मेथड इजीली सॉल्व हो जाएगा. लास्ट वन क्वेश्चन इज बाय यूजिंग लॉग ऑफ 2, लॉग ऑफ 3, लॉग ऑफ 5. जो भी पार्ट्स गिवन हैं, जो आपके पास आपने बाय फैक्टराइजेशन इजीली सॉल्व करने हैं, तो हमने अपने सारे क्वेश्चन को 2, 3, 5 में कन्वर्ट करना है. बेशक इसके ऊपर पावर इन्वॉल्व हो रही है, पावर स्टार्ट में आ जाती है लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग. तो लॉग ऑफ 30 लेट सपोज ये है, तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बाय फैक्टराइजेशन 30 के किए बाय टेकिंग एलसीएम 2 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद 5, 3 टू ज़ा 6, 6 फाइव ज़ा 30. तो 30 के फैक्टर के आगे ये आगे लॉग जब प्रोडक्ट पे अप्लाई होता है तो हमारे पास किस में चेंज हो जाता है, एडिशन में. तो ये लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ 5, बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ लॉग ऑफ 2, लॉग ऑफ 3, लॉग ऑफ 5 हेयर और बाय एडिंग बाय कैलकुलेटर, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा 1.4771. होप सो ये टॉपिक इजी ही है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है. अगर हम इधर दो दफ़ा लॉग अप्लाई कर देते हैं तो ये 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके रॉन्ग हो जाती हैं. अगर आपने यहाँ पे लॉग दो दफ़ा नहीं लिखा, एक दफ़ा लॉग ट्रीट किया और इसको
दो दफ़ा लॉग लिख दिया है तो ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग है, बेशक ये स्टेप्स आपने ठीक लिए हों। सोच समझ के लॉज अप्लाई करनी है। सबसे पहले लॉज को प्रॉपर वे से याद करें कि जब दो लॉग माइनस होते हैं तो वो एक में सिंगल लॉग में चेंज हो जाते हैं बाय डिवीजन। सेम एज इट प्रोडक्ट, जब दो लॉग एडअप होते हैं तो आपके पास एक में चेंज हो जाते हैं। अगर आप लॉज प्रॉपर वे से याद करेंगे और फर्दर उसकी एप्लीकेशन करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा ये करना। और होप सो नेक्स्ट जितने भी पार्ट्स हैं वो आप लोगों से इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। लॉग ऑफ एक्स टू द बेस इज 2 व्हिच इज इक्वल टू 5। इस क्वेश्चन में भी हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स करना है, सेम एज द प्रीवियस वन की तरह। हमने सबसे पहले स्टेप को, क्योंकि ये लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन है, जब भी लॉग में गिवन होता है तो हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म होती है। जब हम इसको फर्स्ट स्टेप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, 2 पावर 5 बेस पावर राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू एक्स। सो 2 पावर 5 इज इक्वल टू एक्स। 2 पावर 5 को सिंप्लीफाई करें, 2 को 5 टाइम देखें, 2 मल्टीप्लाई विद 2 सेम एज 5 टाइम्स आपने लिखना है लाइक दिस वन। 2 को कितने टाइम लिखना है, 3, 4, 5 टाइम विच इज इक्वल टू एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे वी गॉट द रिजल्ट एक्स इज इक्वल टू 32। नेक्स्ट वन पार्ट इज लॉग ऑफ 64 टू द बेस इज एक्स इज इक्वल टू 2। इस केस में भी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स है, लेकिन हमने इसको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, बेस पावर ये एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 64। इन क्वेश्चन में जब पावर्स इन्वॉल्व हो जाएंगी, यहाँ पे एक्स की पावर क्या है, 2। हमने राइट हैंड साइड पे भी देखना है कि 64 को हम 4 का क्यूब भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हम इसको 4 का क्यूब लिखेंगे तो ये सिंप्लीफाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर 2 है। हमने राइट हैंड साइड वाले क्वेश्चन को भी उसी तरह इसको ट्रीट करना है कि ये किसी डिजिट की पावर स्केयर में आ जाए। तो हमने सिंप्लीफाई देखे कैसे किया है, इसको 8 स्केयर किया है, ना कि 4 का क्यूब लिखा है। इस तरह तो ये 64 भी बन सकते हैं, लेकिन हमने ऐसे करना है या तो बेस सेम आ जाए या पावर सेम आ जाए, बट पावर सेम इन दैट केस इसमें आ सकती हैं, बेसिस सेम तो नहीं आ सकती। यहाँ पे बेस क्या है, एक्स है, यहाँ पे कभी एक्स नहीं आएगा। तो हमने पावर्स इक्वल करने के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है, इसको 8 स्केयर लिखा है। 8 स्केयर इज 16 नहीं होता, 8 स्केयर इज 64। पावर्स आर सेम सो बेसिस विल बी इक्वल। तो ये हमारे पास क्वेश्चन फिनिश हो गया, ये इजीली हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वन पार्ट इज 60 लॉग ऑफ 8 टू द बेस इज 64 इज इक्वल टू एक्स बाय 2। इसको भी हम लिखेंगे 64 की पावर एक्स बाय 2 विच इज इक्वल टू 8। सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि वहाँ पे 8 ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो इसको भी 8 की किसी काइंड में किसी की फॉर्म में लिखेंगे। सो 8 स्केयर इज 64। तो पावर से जब मल्टीप्लाई होगी वी गॉट द रिजल्ट 8 पावर एक्स विच इज इक्वल टू 8 एज इट इज राइट हैंड साइड पे साथ चलेगा। When bases are same, 8 और 8 base same है, so powers क्या हो जाएंगी आपस में equal, so x is equal to 1 आपके पास answer आ जाएगा। Next one part is log of x to the base is 3 which is equivalent to 4. 3 power 4 is equal to x written in the power form या exponential form. So 3 power 4 is 81 which is equivalent to x. So ये आपके पास पूरी exercise solve हो गई है। होप सो आप लोग इसको एज इट इज ही फॉलो करोगे, एक एक स्टेप को आप इजीली सिंप्लीफाई करें और रिटन इन द फॉर्म ऑफ बाय टेकिंग लॉग बाय टेकिंग एडिंग सम नंबर इस तरह रिटन एक्सप्लेनेशन दिया करें। अगर हम इसको नहीं देंगे तो हमारे पास ये प्रॉपर वे से इसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, भी प्रैक्टिस। और होम असाइनमेंट ये है, जितने पार्ट्स ये हल हो गए हैं और जो रह गए हैं रिमेनिंग पार्ट्स वो आपकी होम असाइनमेंट है, आप लोग खुद इजीली सॉल्व करो इनसे मदद लेके।